साबिक सदर ममनून हुसैन अलालत के बायस इंतकाल कर गए। बेटे अरसलान के मुताबिक ममनून हुसैन कैंसर के अरजे में मुबतला थे। दो हफ्तों से निजी अस्पताल में जेरे इलाज थे। ममनून हुसैन 2013 से 2018 तक पाकिस्तान के सदर रहे। उनका शुमार मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमाओं में होता था। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि SCO वज़राए ख़ारजा इजलास में अफगान सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। अफगान अमन अमल के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा गया। खत्ते में अमन इस्तेहकाम अफगानिस्तान में पायदार अमन से वाबस्ता है। 30 लाख अफगान महाजरीन की कई दहाइयों तक मेज़बानी पर भी पाकिस्तान के किरदार की तारीफ की गई। SCO वज़राए ख़ारजा मुत्तफ़िक नज़र आया कि अफगान मसले का फौजी हल नहीं। आज़म ज़ाहिर किया गया कि अफगानिस्तान में दहशतगर्दी को किसी सूरत सर नहीं उठाने दिया जाएगा। कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए महकमा दाखिला सिंध ने हुक्मनामा जारी कर दिया। हफ्ते से पहली ता आठवीं जमात तक तालीमी इदारे बंद होंगे। 9वीं और 10वीं जमात के इम्तहान शेड्यूल के मुताबिक होंगे। 16 जुलाई से वाटर पार्क्स, तफरीही पार्क्स, जिम, स्विमिंग पूल, थीम पार्क्स, साहिल समंदर, हॉक्स बे, केंजर झील, अलमंजर, लबे महरान मुकम्मल तौर पर बंद रहेंगे। 15 जुलाई से सिनेमाज बंद होंगे और पब्लिक ट्रांसपोर्ट 50% मुसाफिरों के साथ चलाने की इजाज़त होगी। नई पाबंदियों का इतलाक़ 31 जुलाई तक होगा। ओगरा ने 1 लीटर पेट्रोल 11.5 रुपये महंगा करने की समरी पेट्रोलियम डिवीजन को भिजवा दी। 1 लीटर हाई स्पीड डीजल की कीमत में 2.40 रुपये, 1 लीटर मिट्टी के तेल की कीमत में 1.5 रुपये इजाफे की तजवीज़। कीमतों में इजाफे का हतमी फैसला वज़ीर आज़म की मशावरत से होगा। दालबंदीन में आंधी और बारिश ने तबाही मचा दी। छतें और दीवारें गिरने से 2 अफराद जाम बहक, 15 अफराद जख्मी। तेज हवा से दरख्त और बिजली के खंभे गिर गए। तालबंदीन में बिजली की फराहमी मौत। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश। हब्स का जोर टूट गया।